पिछले एक दशक से चीन और भारत के बीच लगातार एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति देखी जा रही है। देखा जाए तो चीन भारत से मजबूत तो है ही, तभी तो उसे ड्रैगन बोला जाता है। चाहे चीन कोई भी तरीका क्यों ना अपनाए, मगर ये साफ है वो लगातार भारत के कुछ हिस्सों को हड़पना चाहता है। सन 2013 के बाद से ही चीन लगातार भारत को घेरने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाता रहा है, मगर भारत को सब कुछ समय रहते समझ आ चुका और भारत ने कई बार चीन को ऐसी चालबाजियां छोड़ने की रिक्वेस्ट भी की। लेकिन चीन तो ऐसे अनजान बन जाता है जैसे उसने इंटेंशनली कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, भारत ने भी अपने देश को चीन के बुने हुए जाल से बचाने के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू कर दी है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे चीन ने इंडिया को फंसाने के लिए जाल बुना और अब इंडिया चाइना से बचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है। अब भारत के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आने की संभावना है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, 2013 से ही चाइना ने जियोलॉजिकली अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। चीन ने द बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी। जब भारत को चीन की परियोजना में शामिल क्षेत्रों के बारे में पता चला तो भारत को अंदाजा हो गया था कि चीन भारत को घेरने की फिराक में है। चीन ने तब ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल इंटीग्रेशन और ट्रेड के लिए नए रास्ते खोल देगा, मगर इसका मेन गोल वर्ल्ड लेवल पर अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना और अपना दबदबा बनाना था। मगर इसका असर भारत पर सबसे ज्यादा होने वाला है क्योंकि चीन ने भारत को घेरने की कोशिश की है। चीन के इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले पाकिस्तान, श्रीलंका, जिबूती, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव शामिल थे। इन देशों की कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए चीन ने इन्हें इकोनॉमिक और ट्रेड ग्रोथ का हवाला दिया। चीन ने भारत को घेरने के लिए भारत के चारों तरफ बिजनेस रूट बनाने का प्लान बनाया और चीन उसमें सफलता हासिल कर रहा है। चारों तरफ तेल रिफाइनरियां, हाई स्पीड केबल, रेलवे लाइनों और गैस पाइपलाइनों के निर्माण के साथ ही चुपचाप कई देशों में अपने नौ सैनिक अड्डे भी बनवा लिए चीन। इसके साथ ही कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में रेलवे लाइन भी बिछा दी चीन ने। ईरान से होकर गुजरने वाले देश हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चाल चीन ने तब चली जब इस परियोजना के तहत पीओके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करने का डिसीजन। आपको बता दें, इस रास्ते का एक भाग पाकिस्तान के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्र से भी होकर गुजरता है, पीओके से। इस प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया के 75% ऊर्जा भंडारों तक चीन की पहुंच। इस तरह चीन भारत पर हमला करे या ना करे, लेकिन भारत के लिए व्यापार के रास्तों में कई रुकावटें डाल सकता है। सबसे बड़ा जाल चीन ने हिंद महासागर में बुना। दोस्तों, हिंद महासागर में पूरी दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 80% हिस्सा केवल तीन रास्तों से होकर गुजरता है। होर्मुज जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य और बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य। इन तीनों रास्तों में चीन ने अपना दबदबा बना लिया। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए लीज पर लिया, जिससे होर्मुज जल डमरू मध्य में चीन के लिए व्यापार के रास्ते खुल गए हैं और बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य पर अपना मौजूदगी बनाने के लिए चीन जिबूती प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, हिंद महासागर का व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा है। हिंद महासागर के एरिया में 28 देश शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर देश ऐसे हैं जो उभरती हुई इकोनॉमी बनकर सामने आए। ये देश ग्लोबल लैंड एरिया का लगभग 18% हिस्सा कवर करते हैं, वर्ल्ड रिजर्व का लगभग 17% और नेचुरल गैस रिजर्व का लगभग 28% कवर करते हैं। इसी के साथ हिंद महासागर के एरिया में शामिल ये देश विश्व की जनसंख्या का 35% हिस्सा है। इसीलिए तो यूएस नेवी के फ्लैग ऑफिसर्स, जियो स्ट्रेटेजिस्ट और हिस्टोरियन रह चुके अल्फ्रेड थायर ने कहा था कि जो कोई हिंद महासागर पर विजय प्राप्त करेगा वो पूरे एशिया पर हावी हो जाएगा। चीन ने हिंद महासागर में ज्यादातर ऐसे रूट्स बनाए हैं जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और ईस्ट एशिया को अमेरिका और यूरोप से जोड़ते हैं। दोस्तों, भारत का ऐसा बयान था कि चीन ने भारत के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार किया है। चीन को लगता है कि समय आने पर वो इस स्ट्रिंग के जरिए भारत का गला घोट सकता है व्यापारिक तरीके से, मगर भारत का गला इतना कमजोर नहीं जो आसानी से दबाया जा सके। दोस्तों, भारत ने अपने इस बयान को अब साबित भी कर दिखाया है। भारत ने मौका देखकर ओमान में अपना बेस बना लिया। इसके साथ ही भारत 2015 से ही वियतनाम में अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए मोजाम्बिक चैनल में अपना बेस एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है। साथ ही 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी वजह से चांगी नौसेना बेस और सभांग बंदरगाह तक भारतीय नौसेना की पहुंच हुई। इसका उपयोग भारतीय सेना दक्षिण चीन सागर में नौकायन करते समय अपने जहाजों में ईंधन भरने की जिससे भारत को मलक्का जल डमरू मध्य पर थोड़ा नियंत्रण करने का मौका मिल जाएगा।
चीन की तेल आपूर्ति का 70% यहीं से होकर जाता है। भारत और जापान के बीच भी 2020 में एक समझौता हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग मुसीबत के समय में दोनों देशों की सेना आपस के सप्लाईज और सर्विसेज का लेन देन करेंगी। इसी के साथ दिल्ली और मंगोलिया के बीच रिश्ते बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी पर काम कर रहा है। अरे इंडिया का सारे दोस्तों, एक अमेरिका ही है जो चीन का मुकाबला बिना हथियारों के भी कर सकता है, और दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों ही बीजिंग को गिराने में दिलचस्पी रखते हैं। भारत के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित होगा। इंडिया की स्ट्रेटेजिक अप्रोच को विशेषज्ञ नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहकर डिफाइन करते हैं, मगर दोस्तों इस डायमंड नेकलेस को मजबूती देने के लिए कई चैलेंजेस भी हैं भारत के सामने। भारत अभी केवल शुरुआती स्तर पर है और चीन बहुत पहले से यह जाल बुन रहा है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत ने अभी केवल शुरुआत की है, जबकि चीन का दबदबा लगभग हर उस रास्ते पर बन चुका है जहाँ से भारत और चीन दोनों ही व्यापार करते हैं। साथ ही चीन की सेना भारत की सेना के मुकाबले ज्यादा है और चीन की सेना पहले से कई बंदरगाहों पर स्थापित हो चुकी है। इसके मुकाबले भारत धीमी गति से चल रहा है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत फिलहाल दूसरे देशों पर जैसे कि अमेरिका, सिंगापुर आदि पर डिपेंडेंट है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोई भी देश इंडिया और चाइना के बीच चल रही कोल्ड वॉर में दखल नहीं देना चाहता, क्योंकि फिलहाल चीन इन देशों में जरूरी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है और इंडिया एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगा है। साथ ही चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में बहुत निवेश कर रहा है, मगर भारत अपने डायमंड नेकलेस में उतना निवेश नहीं कर रहा, जो फिलहाल चिंता का विषय है। बीजिंग को घेरने के लिए अभी ओमान और जापान तक रास्ते बनाने की जरूरत होगी, मगर इसमें भारत को अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मगर अमेरिका निष्पक्ष जरूर रहना चाहेगा। चीन की स्ट्रेटेजी को टैकल करने के लिए भारत को सबसे पहले चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, जिसके लिए भारत को खुद अपने संसाधनों का प्रयोग करना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। किसी और देश पर निर्भर होने से परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती है। भारत कम समय में ही चीन की चालबाजियों को नाकाम करने में बहुत करीब पहुंच चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर की माने तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को टक्कर देने के लिए ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड को लॉन्च किया है। इसमें निजी कंपनियों को भारत प्रशांत क्षेत्र और दूसरे कई भौगोलिक क्षेत्रों में बड़े निवेश के लिए शामिल करने की योजना बनाई गई है, जिसमें सरकार द्वारा पूरी मदद मिलेगी। इससे इंडियन स्टार्टअप्स को इंटरनेशनलाइजेशन में भी बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, ये जानकारी हमने इंटरनेट से हासिल की है। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। क्या लगता है आपको, भारत का डायमंड नेकलेस चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काट पाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में। वो भी घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना ऐसा देश है ना, ये ऐसे देश को देखते हैं कि जिसको पैसों की जरूरत है उसको पैसा देता है और उसको अपना गुलाम बनाता है, पाकिस्तान को भी अपना गुलाम बनाया। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।